हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर खुद इस तरह से अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं। चाहे आप यहां पे अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी गर्लफ्रेंड का फोटो लगाना चाहे तो आप इजीली लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप्स, स्टेटस, कॉल, आप जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा खुद का फोटो शो हो रहा है। इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर खुद का फोटो लगा सकते हैं या आप किसी गर्लफ्रेंड का भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और इसी प्रकार से आपको भी चले आना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और होम स्क्रीन पाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस व्हाट्सएप को आप पहले से यूज कर रहे थे यानी व्हाट्सएप मैसेंजर को, आपको सबसे पहले इसे ऑन इंस्टॉल कर देना है। ऑन इंस्टॉल कर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप को आपको डाउनलोड करना होगा। इस व्हाट्सएप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीस्टोर एंड एग्री एंड कंटिन्यू। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर को पहले से यूज करते थे और उसे आप बैकअप लिए हैं तो आपको रीस्टोर पर क्लिक करना है। अगर आप नए नंबर से इसे लॉगिन करना चाहते हैं तो नीचे में जो एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं नए नंबर से ही लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं, इसलिए मैं दूसरा जो एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर डायल करना है। चलिए मैं एक नंबर डायल कर देता हूँ, नए नंबर। नंबर डायल करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, उसके बाद परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उस OTP को डालना है या ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी OTP आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे डायल करना है। डायल करने के बाद ये आपके ऑटोमेटिक ही सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद यहाँ से स्किप कर देना है और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर नेम देकर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर नेम देकर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे ये सक्सेसफुली लॉगिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली लॉगिंग हो गया है। नीचे में एक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। मैंने नए नंबर से इसे लॉगिंग किया इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट शो नहीं हो रहा है। सभी कॉन्टेक्ट यहाँ पे शो होंगे, आपके जो भी होंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट शो होंगे। और यहाँ पे कोई भी अभी फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सेव किया ही नहीं है। अब चलिए मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे कोई भी आप फ़ोटो सेव करेंगे, चाहे अपना या अपने गर्लफ्रेंड का। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में ये आपको GB सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में एक यूनिवर्सल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कलर्स वाले सबसे ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद 3 नंबर में एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं एक फ़ोटो का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और गैलरी से आप जिस भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं सिंपली उसे चूज कर लेना है। चलिए मैं कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। जैसे आप चूज कर लेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज करके नीचे में जो सेट वॉलपेपर का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यह सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आप बैक आके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही बैक आइएगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट, जो भी आप कॉन्टेक्ट सेव किए होंगे वो सेव होगा, जिस भी आप फोटो को यहाँ पर लगाए होंगे वो शो होगा। चलिए मैं एक कॉन्टेक्ट पर मैसेज करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप नए मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट आपको शो नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे सभी कॉन्टेक्ट को यहाँ पे लाना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे शो होगा, जो भी स्टेटस आपके कॉन्टेक्ट में लगाएगा वह यहाँ पे शो होगा, और जिसको भी आप कॉल करेंगे या उधर से आएगा तो आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स शो होंगे।
आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस व्हाट्सएप का ऑल सेटिंग के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग है, यहाँ पे अभी बहुत सारी सेटिंग बचे हुए हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा यहाँ की सभी, इसमें का सभी सेटिंग, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।